नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और बिजनौर दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने प्रदेश में लगातार हो रहा विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं 72 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद सीएम योगी शिशु सदन और बच्चों से मिले। इसके साथ ही सीएम पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। लखनऊ में शिक्षा को लेकर आप और बीजेपी की लड़ाई तेज हो गई है। इस बीच आप पार्टी के प्रभारी ने यूपी के सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्थाओं पर प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में खराब मिड डे मील परोसा जा रहा है। वहीं स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं नजदीक है, लेकिन अभी तक स्कूलों में किताबों का वितरण नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में आगे आदित्यनाथ जी से, आदरणीय आदित्यनाथ जी, आप मुझे बताइए, आज भी हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ते हैं? आज भी उनके लिए डेस्क बेंच का इंतजाम क्यों नहीं है? आज भी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में गाय भैंस गोबर कैसे करती हैं? बताइए आदित्यनाथ जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 26,000 सरकारी स्कूल, लगभग 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में कैसे बंद हो गए? क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ? गठौर, सोनभद्र में एक जगह है, वहां भी पिछले दिनों समाचार आया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में खाने के लिए। देवरिया में समाचार आया, टीवी चैनल ने चलाया भी उसको, भात और नमक दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए। जब बच्चों से पूछा गया, बच्चे केला मिलता है नहीं मिलता, दूध मिलता है नहीं मिलता, दाल मिलती है भात के साथ नहीं मिलती, ये बच्चों के जवाब है, वीडियो देख लीजिए आप। और तो और, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला कन्नौज का है, कन्नौज का है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कन्नौज के अंदर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मिड डे मील में हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता तो उसको मार मार के पीठ उसकी लाल कर दी गई, जब सूचे तो मिड डे मील ठीक नहीं किया जाता, बच्चों को ठीक कर दिया जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, उनकी पीठ लाल कर दी जाती है। तिमाही परीक्षा होनी है, यह उत्तर प्रदेश की खबर है, तिमाही परीक्षा होनी है। आपको मालूम है अप्रैल से विद्यालय शुरू हो गया था, फिर बीच में छुट्टी, फिर विद्यालय शुरू, और तिमाही परीक्षा होने वाली है।
बच्चों को 50% किताब नहीं मिली, किताब बच्चों को 50% किताब ही नहीं मिली अब तक जो सरकार के द्वारा दी जाती है। यह है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हकीकत। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान हरियाणा में मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनेक डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स फरीदाबाद में इनोग्रेट हुए और लगभग 2000 करोड़ के पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों के अंदर इनोग्रेट हुए। और जो सरकार का प्रयास है डेवलपमेंट को एक नई प्रगति देना, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य हम अचीव कर रहे हैं। मैं तो बधाई दूंगा कि एक लंबी मांग यमुना क्रॉसिंग की जो थी उसके आज हमने डेवलप किया है। साथ में जो फरीदाबाद से KGP तक एक नैरो हमारा ड्राइववे था, उस कनेक्टिविटी को बेहतर करा गया, आज उसको 4 लेन के लिए हमने लगाने का काम किया है। सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत 4-14 पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन का है, जिसमें बिजली विभाग के खिलाफ सभी लोग शहर के गेट के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके खिलाफ 14 साल पहले कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्रीय लोगों ने जमाल गेट के पास विद्युत कटौती को लेकर के जाम लगाया हुआ था। जानकारी होने पर ये लोग भी वहाँ गए थे, उसी में सरकारी कर्मचारियों द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत और विभिन्न धाराओं में। उसी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, तत्कालीन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव और विधायक अनूप संडा के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है। कुल 35-36 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 19 लोगों के खिलाफ कल आरोप तय हुआ, शेष की पत्रावली अलग कर दी गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां के खिलाड़ियों ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तृतीय प्रेसिडेंट कप कराटे नेशनल प्रतियोगिता में 28 पदक जीते। वहीं प्रतियोगिता में देश के अन्य राज्यों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश की टीम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रही। साथ ही टीम की प्रशिक्षक ने बताया कि अगर प्रशासन की तरफ से मदद मिले तो हम उत्तर प्रदेश की तरफ से बच्चों को किसी भी नेशनल कॉम्पिटिशन खिलवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का नाम कर सकें। पार्टिसिपेट किया था हर एज कैटेगरी में, और जिसमें 10 गोल्ड मेडल हम लोग ने प्राप्त किए हैं, इसमें 12 ब्रॉन्ज है और 6 सिल्वर हैं। इसमें हमारी टीम ने इन 10 गोल्ड मेडल्स के उस पर अंतर्गत पे आपके 3rd प्लेस प्राप्त की है। इसमें हमारा जो टीम है इस बार जो 24 की थी जिसमें हम लोग 3rd प्लेस लेकर आए हैं, वो इस बार बड़ी टीम हम लोग लेकर जाएंगे ताकि हम लोग 1st प्लेस के लिए पूरी मेहनत कर सके। दिल्ली में 2nd प्रेसिडेंट कराते नेशनल चैम्पियनशिप हुई, जिसमें होस्ट दिल्ली थी। वहाँ पे हम यूपी की तरफ से इलाहाबाद रेड बेल्ट एकेडमी की तरफ से 24 बच्चों को लेके गए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। उनमें से 19 बच्चों ने मेडल जीते हैं, कुल 28 मेडल हमने जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। खबर लखीमपुर खीरी के ग्राम जटपुरवा से है, जहां एक युवक पर शांति भंग करने का आरोप है। आपको बता दें कि युवक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जगह सुलह कर मामले को खत्म कराना चाहती है, जिसके बाद पीड़ित ने DM से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं घर पे अकेली थी सर, और ये घर आया, बोला मम्मी कहाँ गए हैं, तो हमने बोला सर मम्मी घास काटने गई हैं, और पापा तो बाहर रहते हैं, और भाई था वो दवा लेने गया था। फिर ये बोला भाई कहाँ, तो हमने बोला दवा लेने गया। फिर ये घर पे आया, बाहर वाले गेट पे ये दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक। फिर ये मुझे गोद उठाया, फिर मुझे गोद उठा के मुँह मूंद के बेड पे गिरा दिया, जाके बेड पे गिरा के छेड़खानी करने लगा। जब मैंने चिल्लाया कस के तो बोला चिल्ला के तो तुम्हें जान से मार डालेंगे, फिर पैसे दे के बेड पे फेंक के चला गया सर।
गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और पुलिस ने झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही 1 करोड़ रुपए की कीमत की अफीम बरामद की। साथ ही गिरोह के पास 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि गिरोह के लोग झारखंड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि ये गिरोह अफीम लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में सप्लाई किया करते थे। देखिए, शासन द्वारा चलाए गए अवैध ड्रग्स और अवैध शराब के अभियान में गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें कि 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार करा है। ये मैनुअल इनपुट पे क्राइम ब्रांच ने काम करा है, जिसमें कि इसमें विवेक गुप्ता नाम के एक कूरियर को हमने गिरफ्तार करा है, जो कि लातेहार के रहने वाले हैं और अपने आप को ग्रेजुएट पास बताते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि श्याम बिहारी जो अपना ऑर्डर प्लेस करते थे, वो डब्लू नाम के व्यक्ति को करते थे, जो कि झारखंड रांची के रहने वाले हैं, और उसको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करा करते थे, और उसके बाद डब्लू उसको 60,000 रुपये के हिसाब से दाम में आगे इनको बेच के अपना मुनाफा कमाया करता था। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिस पर भड़के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुट गई है। परिजनों के आरोप पर पुलिस वालों ने ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे CEO सिटी का कहना है कि मामले की जाँच जारी है। करीब 1 साल 9 महीनों के शादी को शादी के बाद से इन लोगों ने बच्चे के साथ टॉर्चर करना चालू किया। 3-4 भाई आया, समझा गया कि बेटी अच्छा घर है, यहीं आपको रहना है, कोई बात नहीं, जैसा मम्मी कहती है वैसे करो। उसके बाद ये संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद इतना टॉर्चर किया कि वो 1 साल 9 महीने में ही भी जब बोले कि तेरे बच्चा नहीं हो रहे, तो बोले कि तेरे लिए कश्मीर से लाएंगे। तो जब कश्मीर गई तो उसके दिमाग में ये आई कि अब मेरे कुछ ना कुछ परेशानी महसूस की है। रोज रात को शराब पीता था, इनको परेशान करता था, इनकी सास है, इनकी जो सास है, सास जो इनकी सास है वो इनको परेशान करती थी, कहती थी मेरी इस लड़की से नहीं बनेगी, रोज डेली टॉर्चर करती थी। मेरी बहन ऊपर रहती थी, नीचे भी नहीं जाती थी, ऊपर ही रहती थी, घुटती रहती थी। थोड़े दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भेजी है, वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, नहीं जाऊंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनीराम हमसे जुड़ेंगे। धनीराम, नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी मयूर जी, मैं बता दूं आपको कि ये अचानक नवविवाहिता की इस तरह से मृत्यु होने पर परिजनों ने अपने इनके ससुराली हैं उन्हीं पर ही उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कहा है कि ये काफी समय जब से शादी हुई है, कुछ दिन तो सही रहा, उसके बाद में ये लोग इस बेटी को परेशान कर रहे थे, कई झगड़े हुए, कई बार इन्होंने वापसी घर छोड़ आए, फिर उन्होंने राजीनामा करा दिया और कई बार ये आ गए, और अभी ये रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी, उसके बाद में करीब 10 दिन तक इनको लेने नहीं गए, फिर उसका भाई यहाँ छोड़ने आ गया और सब कुछ ठीक ठाक था, पर ये सोची साजिश थी जिसकी वजह से ये इस नवविवाहिता की जान गई। और उनका परिजनों का भी कहना यही है कि इन्होंने ससुराली जनों ने बेटी को मारा है और अब पुलिस इसमें जांच कर रही है, साथ ही फॉरेस्टिक टीम है, वो सब जो कहां कमी है इसमें उनको खंगाल रही है। जी, तो क्या अभी तक ये बात सामने क्लियर हो चुकी है कि ये हत्या है या आत्महत्या? नहीं नहीं, अभी ये पुलिस जांच कर रही है इसमें, अभी पुलिस की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि ये पोस्टमार्टम पर गई है, अभी उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है और जब उनकी रिपोर्ट आएगी ये जब ही क्लियर हो पाएगा, तो इसलिए अभी पुलिस ने भी ये अभी कुछ बताने से इनकार किया है कि अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक ये कुछ बता नहीं सकते कि ये आत्महत्या है या सुसाइड है या क्या है या जो क्या मामला रहा है, इसके लिए पुलिस पूरी जांच कर रही है अभी। परंतु परिजनों का आरोप यही है कि इनके ससुराली जनों ने ही इनको मारा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिरोजाबाद में मंदिर में बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, जहां मंदिर में लाखों रुपए के आभूषण सहित 2 मूर्तियां और घंटों की चोरी कर चोर फरार हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि थाना क्षेत्र नारखी के वजीरपुर रोड स्थित डूमर बाबा आश्रम का मामला है। थाना क्षेत्र नारखी में ग्राम कोटला वजीरपुर में डूमर बाबा मंदिर में रात्रि के समय
दो मूर्तियां, घंटे और कुछ जेवरात चोरी हो गए हैं, जिनके समय में थाना नारकी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की तीन टीमें बना दी गई हैं, इसको जल्दी हम लोग वर्कआउट करेंगे। SOG और सर्विलांसर भी लगा लिया गया है, सभी अधिकारी मौके पर हो लिए हैं। पर्याप्त प्रयास करके हम लोग जल्दी केस का वर्कआउट करेंगे। बुलंदशहर में हरियाणा के गौरक्षा दल ने पुलिस की मदद से गौवंशों से भरा ट्रक पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से पीछा करते हुए गौरक्षों ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हिंदू जागरण मंच की यूनिट से संपर्क किया था, जिसके बाद गौरक्षा दल और बुलंदशहर की हिंदू जागरण मंच और पुलिस ने घेराबंदी करके गौवंशों से भरे ट्रक को पकड़ लिया है। आज सभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इसमें जो पीछे आप ट्रक देख रहे हैं इसमें गोवंश भरा हुआ था। गोवंशों को हमने तस्कर का पीछा किया था तो ये यहाँ पे पकड़े हैं। कितनी गायें? करीब इसमें 16 से 17 गोवंश है। कैसे सूचना मिली? हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बावजूद हमने यहाँ पे हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया था गगन जी से, और संपर्क करने के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया, फिर ये ट्रक पकड़ा गया। कब सूचना मिली आपको? सुबह 4 बजे के करीब। क्या सूचना थी? सूचना ये थी कि गोवंश इसमें भरकर और मेवात जाएंगे, जो मेवात हरियाणा में, वहाँ पे गोकसी होगी इनकी। कहाँ से भर के आ जाएंगे? ये भरकर पंजाब से आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।